Sir, Mani Aditya Shankar Ji Vajpayee and the other
another dignity, we have the glorious presence of our young, energetic and enthusiastic principal, Honorable Vidhunandan Kumar Singh. I will request Bhaiya Abhil Shukla, Deputy Prime Minister of Student Parliament, to offer that to our principal. We have the blessed presence of our affectionate and wise principal sir on this stage. I would request Abhi sir, our deputy examination in charge, to welcome the parents of Bhaiya Anushpal, Bhaiya Jayant Tiwari, Bhaiya Arishpal, Bhaiya Pratish Gupta, and Bhaiya Pratish Gupta, our board proper. I welcome all our parents and parents of the students which are board toppers of our school. I will request Ms. Manjusha ma'am, please. Welcome our parents. Sir. Oh.
नहीं लगते
अजय राम हर नर, अजय राम हर नर, हर नारी रानी झांसी हो, देश दरबार गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी अगर दोहराओगे, पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी अगर दोहराओगे, सच कहता हूं देश वासी और नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने सूरमा सबसे साजी शेर सुने, संसारी सब सुने सूरमा सबसे साजी शेर सुने, मत सुने मजबूत सुने जो बनता है तो दुलेर सुने। कि दिल वालों का स्वर्ग नहीं हूँ, कि दिल वालों का स्वर्ग नहीं हूँ, गद्दारों का नर्क हूँ मैं। बच्चे भी जिस देश पर जान लुटाते अपनी यही कहानी है, वे लाखों सैनिक रखते हैं हम सवा अरब सेनानी है। कि अविरल बहता माँ गंगा का, कि अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूँ मैं, सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ मैं, हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ। आज अपने चेतना को जागृत करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी राष्ट्र नीति, कूटनीति, विदेश नीति से भारत को उसका खोया हुआ पुनः गौरव प्राप्ति की दिशा में तथा भारत को विश्व गुरु होने प्राप्ति की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। आज भारत आत्मनिर्भरता के मंत्र से कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होकर वस्तुएं आयात करने के स्थान पर निर्यात कर रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आज भारत ने मिसाइलों के साथ साथ लड़ाकू विमान जैसे तेजस भी निर्यात करने लगा है और पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत ने पूरे विश्व को कोरोना काल के समय वैक्सीन निर्यात कर सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र दिया। आज भारत अनाज के क्षेत्र में पूरे विश्व को दालें एवं अन्न भारत से निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित कर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। मित्रों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि कर रहे काम मोदी अब ऐसे ऐसे कि कर रहे काम मोदी अब ऐसे ऐसे विपक्षी भी चौंक कर पूछे ये हुआ कैसे, कैसे अमेरिका से लेकर इजराइल भी हो गया है बहन, कैसे अमेरिका से लेकर इजराइल भी हो गया है बहन, सोच सोच के दुश्मन हो बैठे सुख चैन, हो बैठे सुख चैन। आज भारत चीनी सेना व पाकिस्तानी सेना से डरने वाला नहीं बल्कि उन्हें डराने वाला बन गया है और आज भारतीय सेना चीनी सेना की आंखों में आके डालकर उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर देती है। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर पूरे राष्ट्र को एक करने का कार्य किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का नव निर्माण भारत के नव निर्माण में बढ़ा हुआ एक मजबूत कदम। आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति भारत के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीयता का भाव भरते हुए एक सुदृढ़ समाज निर्मित करने का कार्य करेगी और एक सुदृढ़ समाज एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माता होगा। आज मैं इस मंच से आप सबको यह आश्वस्त करता हूँ कि हम अपने अपने राष्ट्र को अपने सामने ही परम वैभवम नेतु मेतत स्वराष्ट्रम अर्थात परम वैभव के उच्चतम शिखर पर स्थापित होकर हो पाएंगे तथा भारत को पुनः से अखंड भारत बनाएंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व कहना चाहता हूँ कि गर्व से हम अपने राष्ट्र को भारत बुलाते हैं, कि गर्व से हम अपने राष्ट्र को भारत बुलाते हैं और सीना गदगद हो जाता है जब हम भारतीय कहलाते हैं। आजादी का यह पर्व दोस्तों आओ मिलकर मनाते हैं, चाहे रहे अमेरिका या लंदन, भारत को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तुझको मेरा कमल है, दुनिया से खूबसूरत मेरा यही चमन है, सागर जिने पखारे तेरे युगल चरण है, जो भार पर मुकुट है हे गिरी के वे शिखर है, देवों का सौंदर्य एवं धन्य धान से पूर्ण विश्व के सिरमौर भारत भूमि की वंदना नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रण है कक्षा तृतीय से षष्ठ की छात्राएं। Thank you.
on this occasion. Ours is a land of sages, known for bravery for ages. None can with it compete. Its culture, none can beat. Whatever caste or religion, all live here in unison. Honorable chief guests, respected principal, dear teachers, and all my brothers and sisters present over here. My warm greetings to all of you. I, Kanish Singh, student of class 9B, going to express my views in front of you all on this auspicious occasion of Independence Day. Today, we all are here to acknowledge the privilege of being born in a free India and celebrate the 76th Independence Day of our nation. We all should feel proud to be a part of an independent India that has freedom of speech, freedom to live life in our own way. But this was not the case 75 years ago when we were a slave to the British government. Britishers ruled over India for almost 200 years, and after a continuous struggle by our freedom fighters, we achieved independence on 15th August 1947. The hard time of struggle and slavery must not be allowed to fade away from our memories. Hence, every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but also pay tribute to the ones who fought for it and to the ones who sacrificed themselves for their motherland. On this occasion, our thoughts first turn to all of our freedom fighters and martyrs who made the supreme sacrifice for our country's liberty. We are also reminded of the relentless struggle by our freedom fighters who liberated our country from colonial rule. Today, we are fortunate to live in a free India, which is only due to the vision and struggle of those great freedom fighters. We should always be grateful to those great patriots such as Chandrasekhar Azad, Khudiram Bose, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Lala Lajpat Rai, Sukhdev, and many, many more who dreamt of free India and fought for it till their last breath. There is a big celebration each year in New Delhi at Rajpath where National Anthem is sung after Prime Minister hoists the flag. Everyone pays tribute to the national flag. A salute is given to national flag by firing 21 guns with the national anthem. And flowers are also showered by a helicopter. All forces take part in parade. In the end, we can't merely say that 15th August is solely about freedom. This day is a plethora of emotions. It reminds us of the pain of being enslaved. It defines sacrifice. It reminds us of the sacrifices that were made. It gives us an example that some wars can be won by non-violence. And of all the things, it makes us value and cherishes the freedom we have today. As for today, we all should pay tribute to all of our freedom fighters who made the supreme sacrifice for our country's liberty. While celebrating the 76th Independence Day, we must not overlook the challenges we face. Corruption, poverty, illiteracy, pollution, women's safety, etc. However, with the bold youth generation, revolutions are being witnessed. This will surely be positive changes in the upcoming years. It is our responsibility as proud citizens of our nation to sincerely perform our duties and work together for the progress and development of our nation. Keeping the sacrifices of our ancestors in our mind, let's take an oath to carve a better future for our motherland. I would like to end my speech, followed by these lines, let's work for it hard, for its safety, beyond God. Thank you, and I wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. हर सुदर्शन तुम्हारा बिना शेष सैया के होता दर्शन तुम्हारा भौतिकता में जीने वाले क्या समझेंगे मोल तुम्हारा माँ भारती के ज्येष्ठ सुत तुमको नमन हमारा सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र के प्रमुख आधार है हमारी सेना के जवान और हमारे अन्नदाता किसान आज का दिन दोनों के समर्पण को नमन करता है एक भावपूर्ण लोकगीत की प्रस्तुति द्वारा आपके बुंदेलखंड की माटी की सोती महक से परिचित कराने हेतु आमंत्रित है कक्षा द्वादश के छात्र
कहानी करब पचवा में हम सब बनिया तू।
नारायण स्वामीचारायण प्रतिम प्रति आमंत्रितं करोमि भगिनी सताक्षी दीक्षित कक्षा एकादश का। नमामि त्वं महादेवी महावैविनाशिनी महादुर्ग प्रश्मिनी महाकारुण्य रूपिणी स्वतंत्रता अस्माकं जन्मसिद्ध अधिकारा एतत् दिन्निं वर्षं स्वतंत्रता आंदोलन समये प्रत्येक देशभक्तस्य मुख्य आसीत् बहु प्रयत्नान्तर न जाने कियत् स्वतंत्रता सेनानीनां आत्मबलिदानस्य पश्चात् वयम् अगस्त मासस्य पञ्चदश दिनाङ्के नवदशतम सप्तचत्वारिंशत् तमे वर्षे स्वतंत्रता प्राप्तवन्तः बहु वर्षाणाम् उपरान्तम् अगस्त मासस्य पञ्चदश दिनाङ्के मध्यरात्रि यदा अस्माकं स्वतंत्रतायाः दीपं प्रज्वलितम् अभवत् तदा देशवासिनाम् आनन्दस्य सीमा न आसीत् एषा स्वतंत्रता वयम् अकस्मात् न प्राप्तवन्तः सत्यं तु एतत् अस्ति यत् स्वतंत्रतायाः मूलाधारं शतं वर्षाणि पूर्वमेव अभवत् अष्टादशशतं पञ्चाशत् वर्षस्य सङ्घर्षोपरान् ये देशभक्ताः स्वप्राणान् त्यक्तवन्तः तेषां बलिदानम् अविस्मरणीय अस्ति सत्यमस्ति यत् स्वतंत्रतायां कस्यापि कृते सर्वश्रेष्ठं वरदानम् अस्ति अद्य विचारणीयमस्ति यत् किं वयं देशस्य अखण्डताय अक्षरताय स्वप्नं साकारं कृतं न वा यस्यः स्वप्नम् अस्माकं देशस्य नेतारः अविचिन्तयत् अद्यापि अस्माकं देशस्य असंख्यजनाः निर्धनताय जीवनं यापयन्ति कोटिशः जनाः शूद्रा मृत्युं गताः अस्य मूल कारणम् अस्ति यत् वयं सर्वे स्वीकृत्यान् प्रति सचेताः स्मः इदानीमपि वयं शारीरिकरूपेण एव स्वतन्त्रता स्मः न तु मानसिकरूपेण बौद्धिकरूपेण वयम् अद्यापि पाश्चात्यसभ्यतायाम् आङ्ग्लभाषायाः दासः च स्मः अद्यास्मिने पावनावसरे वयं प्रतिज्ञां कुर्याम् पुनः जगद्गुरो पदं नयाम च सम्प्रति एतावत् एव उक्त्वा अहं स्ववाणी विरामयामि वयं भारतीय स्वदेशं नमामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः तदर्थं धनं जीवनम् अर्पयामः प्रियं भारतं मे सदा मानयामः जय भारतम् Now, Master Yash Tripathi of Class 5 is coming on the stage to convey his views on this occasion. The day is not so far when we will become the
most powerful nation in the world. With some slogan, I would like to end my speech that never ask the nation what did it give to you. Always ask you what did you give to the nation. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat, and happy Independence. Now the students of class 6 and 7 are going to present a memorizing dance performance. साथ हर मोड़ पर होके साथी तेरे। अब
अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघला, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं करते कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं करगिल विजय के बाद लिखी हुई कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। और ये कहा जाता है कि ऐसा कवि का मतलब रोग होता है कि अगर तालियां ना बजें तो कवि की थोड़ी बहुत एनर्जी कम लगती है, और मैं चाहूंगा कि जब मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ तो आप तालियों के साथ अपना जोश जो है वो दिखाइएगा। मैं आपको मतलब अपने आप को कवि नहीं मानता हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी कविता को पसंद करेंगे। मेरी मान्यता रही है, मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजपूत हूँ, मैं वाणी का राजपूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे टंकर आने की, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, और देश चले मैं कुछ ना बोलूं मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश चले मैं कुछ ना बोलूं मैं ऐसा गद्दार नहीं। दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, शिमला समझौते में खींचे मानचित्र को फाड़ दिया, बारूदी अंगारे लेकर सीमा रेखा लांघ चुका, कसने वाले प्यार मोहब्बत सब फूटी पर टांग चुका, तो तुम भी घातों का निर्णय एक बार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के यार पार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के यार पार हो जाने दो। भारत बहुत महान देश है, और पहले के समय में पूर्व समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज भारत विश्व गुरु की उपाधि हासिल करने जा रहा है, और सिद्ध करता हूँ केवल अपनी चार पंक्तियों से, भारत चंद्रगुप्त के अरमानों की ख्याति है, लक्ष्मी बाई चूड़ावत के बलिदानों की ख्याति है, गांधी गौतम महावीर के संदेशों की धरती है, संत कबीर और गुरु नानक के उपदेशों की धरती है, सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है, मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं, जिन्ना ने गांधी जी से जो भी मांगा सम्मान दिया, भारत माता का बंटवारा सहकर पाकिस्तान दिया, लेकिन चंद महीनों में ही तो मौका दिखा बैठे, लेकिन चंद महीनों में ही तो मौका दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे। हमने ढाका जीता भारत का झंडा गड़ सकता था, दर्रा हाजी वीर जीत कर भी भारत लड़ सकता था, लेकिन हम तो ताशकंद के समझौते में चले गए,
और हमारे लाल बहादुर जी दुनिया से चले गए और हमारे लाल बहादुर जी दुनिया से चले गए। पाक दरा से मिट ही जाता मौके डाल दिए हमने, पाक दरा से मिट ही जाता मौके डाल दिए हमने, लाखों कैदी कुत्तो की झोली में डाल दिए हमने, लाखों कैदी कुत्तो की झोली में डाल दिए हमने। हम परमाणु ताकत होकर भी लाहौर गए बस में, हम परमाणु ताकत होकर भी लाहौर गए बस में, हमने शिमला समझौते की कभी नहीं तोड़ी कसमें, फिर भी बार बार हमले से भारत घायल होता है। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ आखिर ये क्यों होता है, मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ आखिर ये क्यों होता है। सेना मर मर कर पाती है दिल्ली सबको देती है, सेना मर मर कर पाती है दिल्ली सबको देती है, और शहीदों के बलिदानों को शाही से धो देती है। मैं इस कायर राजनीति से बचपन से घबराता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। और मेरे मन में एक कीड़ा है, एक छाला है मेरे मन में, और मैं जब शुरुआत किया आखिरी की 6 पंक्तियां पढ़ूंगा तो वो अगर आपके मन में वो कीड़ा जाग जाए तो तालियों के साथ इस पूरे कच्छ को बता दीजिएगा कि हाँ आपके मन में भी वो कीड़ा है। जो हमलावर मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, जो घुसपैठी मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, अपने अपने हाथों में बारूद छुपा कर लाए थे, जो मंसूबे बांध रहे थे वे करगिल को बांटेंगे और सियाचिन भारत के मानचित्र से काटेंगे, जिनके कारण जली चिता की राख अभी तक गर्म पड़ी, कल परसों जो भरी गई थी मांग बिना सिंदूर खड़ी, जिनके कारण श्वेत हिमालय गर्म खून से लाल हुआ, जिनकी तोपों के गोले से घायल मां का भार हुआ, उनको समाधान देने का निर्णय कैसे लिया गया, उनको घर से वापस जिंदा जाने कैसे दिया गया। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ धोखा कैसे खाया था, देश बदल कर रावण मेरे घर में कैसे आया था, क्या निगरानी वाले सूरज का पहला गद्दारी था, क्या निगरानी वाले सूरज का पहला गद्दारी था, या सोने का हिरण हमारी देशभक्ति पर भारी था, या सोने का हिरण हमारी देशभक्ति पर भारी था। और कविता को समाप्त करते हुए मैं अपना इस कविता का सबसे श्रेष्ठतम छंद पढ़ने जा रहा हूँ, ये मतलब श्रेष्ठतम छंद है और मैं अपने देश के वीर जवानों को ये समर्पित करता हूँ, और मैं जिस जोश के साथ इस छंद को पढ़ूंगा और मैं आशा करता हूँ कि आप उसके दुगने जोश के साथ इसके हिस्सों पर प्रतिक्रिया करें। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। भाई ताली नहीं बज रही। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक हिमालय का पर सितारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, गरम धानों पर तो सबके ज्योति में अर जाते हैं, उनकी गाथा लिखने से अंबर भी छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा जानों को छू जाता है, इस पर तो सागर का यह लोटा में दर्द भी उठ जाता है। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ सर, दो पंक्तियां आप भरो, मैं किसी मंदिर में जाऊं मुझे आरती नायाबों में दो पंक्तियां गा करके चलाऊंगा, दो पंक्तियां उसके बाद पढ़ता हूँ। कुछ पल को सागर की लहरों का दर्शन भी रुक जाता है, उस सैनिक के सुख का दर्शन भी रंग जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और होता ना सैन्य विराट एक ललाट पर, और होता ना
जी तो होती और नगेश नहीं होते जी, और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम और राम नहीं होते तो देश नहीं होता जी, और राम नहीं होते तो देश नहीं होता जी। और माँ भारती के वीर सपूतों एवं देश के उज्जवल भविष्य प्यारे भाई एवं बहनों को आज 76वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ व्यक्ति जो ये कहते हैं कि 15 अगस्त के भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं 2 पंक्तियां और फिर अध्ययन करता हूँ कि भारत की दिव्यता का दिव्य गान ना करूं, कि भारती की दिव्यता का दिव्य गान ना करूं तो भारती की मोह माया में ही डूब जाऊं क्या, और भारती की मोह माया में ही डूब जाऊं क्या, भूल की महानता का मान ज्ञान स्वाभिमान प्रस्वा प्रेत रीति को निभाऊं क्या, और भारत के महान किसान को करुण अवध तो सैनिकों की लाल लज्ज धार को लगाऊं क्या, और वीरता के चित्र का चरित्र ना कहो जो मित्र तो भूल के पवित्र मित्र जो गीत गाऊं क्या, भूल के पवित्र चित्र जो गीत गाऊं क्या। एकता में अखंडता का परचम लिए भारत देश जो एक बार फिर सिद्ध गुरु की सर्वोत्तम उपाधि को धारण करने जा रहा है। मित्रों कोरोना काल के समय कुछ देश जो यह कहा करते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, उन 2 सालों में मात्र 2 सालों में भारत हमारे सामने नए विकास से उत्पन्न होकर बाहर आया है। हमने कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड का निर्माण करके संपूर्ण जगत को बता दिया कि विश्व गुरु का तार भारत एक बार फिर बनने जा रहा है। आज हमारे भारत के पास 63 से ज्यादा गोल्ड मेडल है। आज हमारे भारत के पास पृथ्वी नाग अग्नि राफेल जैसे अनेक दर्जनों मिसाइलें हैं जो एक बार छूटने पर संपूर्ण देश को नष्ट कर सकती हैं। मित्रों प्रगतिशील भारत में कुछ देश ऐसे भी हैं जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे देश में दंगा फैला रहे हैं। आज धर्माधोषित लोग स्वर्ग पर उतर आए हैं। मैं 2 पंक्तियां ऐसे दंगाइयों के प्रति कहना चाहूंगा कि अरे सुधर जाओ दंगाइयों, अरे सुधर जाओ दंगाइयों, वरना चूसू कर मारे जाओगे, और ये तुम्हारे पिता की जागीर नहीं है जो यूं छोड़ दिए जाओगे, और ये योगी की सरकार है बाबू अरे तुम भी बेच दिए जाओगे, और ये योगी की सरकार है बाबू तुम भी बेच दिए जाओगे। मैं योगी जी का मूल मंत्र आपको देता हूँ, अरे सुधर जाओ दंगाइयों, अरे सुधर जाओ दंगाइयों वरना ये बर्बाद कर देंगे, अरे सुधर जाओ दंगाइयों वरना ये बर्बाद कर देंगे, और अवैध अवैध कहकर बिल्डिंग गिरा कर राष्ट्र कर देंगे, और अवैध अवैध कहकर बिल्डिंग गिरा कर राष्ट्र कर देंगे। हैदराबाद में बैठा हुआ मेहमाना जो भारत माता की जय करने से हमेशा इनकार करता है, मैं 2 पंक्तियां उसको पढ़ता हूँ कि बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती है क्या का साथ चाहिए, बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती है, रोटी के बंटवारे में बिजली भी खाई जाती है, उस बंदारा का बंबर को जान देने लगता है, उस बंदारा का बंबर को जान देने लगता है, गुरु भी चंदा मामा के दो पिनाने लगता है, गुरु भी चंदा मामा के दो पिनाने लगता है, चाहे देर खुदा कर दे, चाहे देर खुदा कर दे, लेकिन देर नहीं करता, और भाई से यारों को खाने में देर नहीं करता, भाई से यारों को खाने में देर नहीं करता। जब संपूर्ण देश के यात्री यूक्रेन में फंसे हुए थे, तब मात्र भारत देश एक ऐसा देश था जहाँ के लोग अपने भारत की नागरिकता तथा अपने भारत का परचम लहराकर वहां से स्वतंत्र एवं अपने सुरक्षित भारत देश आ सकते थे। मित्रों हम देखते हैं अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया तो संपूर्ण देश की लाइन बंद हो गई थी, लेकिन इसी वक्त हमारी एयर इंडिया ने वहां पर टेक ऑफ किया और संपूर्ण हम भारत देश के यात्रियों को वहां से अपने वतन वापस पहुंचाया। मित्रों यह तभी संभव हो पाया जब हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसा है। मैं 2 पंक्तियां तालिबानियों के प्रति भी पढ़ना चाहूंगा जिनको लगता है कि उनका अगला कब्जा कश्मीर तथा अगला कदम भारत पर होगा। तालिबानी अपने घर में इससे भी आपका ओजस्वी ओज हमको चाहिए, और 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, तालिबानी अपने घर में खेलों को बर्बाद करो, तुम जिससे चाहे करो, तुम जिससे चाहे करो।
पाकिस्तानी धर्म करे तो हाथ जो के नारंग करो पाकिस्तानी धर्म करे तो हाथ जो के नारंग करो कहीं पानी है बच्चा सब भारत में आएंगे कहीं पानी है बच्चा सब भारत में आएंगे और समाज को बिन कहने के बनाए जाएंगे और समाज बिन कहने के बनाए जाएंगे हम पार्टी में आतंकवादी रात कर रखेंगे हम पार्टी में आतंकवादी रात कर रखेंगे पूरे देश के लोगों का आत्मान कर रखेंगे पूरे देश के जो घाटी में घुसपैठी बारूद हम भवा देंगे फिर तो बहुत महत्वपूर्ण कि हम घाटी में घुसपैठी बारूद जो घाटी में घुसपैठी बारूद हम भवा देंगे हम उनको जन्नत की 70 भूरों से मिलवा देंगे हम उनको जन्नत की 70 भूरों से मिलवा देंगे हमने अपने समुदाय से 370 हटा दिया हमने अपने समुदाय से 370 हटा दिया नेहरू जी ने जो डाला था सांप ग्रेड से हटा दिया नेहरू जी ने जो डाला था सांप ग्रेड से हटा दिया यदि आप इस्लामाबाद की छाती पर तिरंगा लहराने का साहस रख सकते हैं तो आज हमें इस्लामाबाद की छाती पर ये भगवा तिल लहराने का भी अदम्य साहस रखना चाहिए। मैं दो पंक्तियां यही आपकी ओर की ओर स्थिति करते हुए दो पंक्तियां कहता हूँ कि हम औकात बता सकते हैं मिट्टी के गद्दारों को हम औकात बता सकते हैं मिट्टी के गद्दारों को और हम भी धार लगा सकते हैं जंग लगी तलवारों को हम भी सीमा पर शत्रुओं को हर जवाब दे सकते हैं और हम भी देशभक्त हैं और देशभक्ति का हर हिसाब दे सकते हैं पर ऐसा करके तो वह संदेश कहेगा कौन वो जब की भाषा में दौलत भारत देश कहेगा कौन और उसकी भाषा में दौलत भारत देश कहेगा कौन। मैं भारत का हर जनों में सम्मान करता हूँ यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोह छुपाने की तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। मित्रों मैंने राम नाम के साथ अपने कविता शुरू करी थी मैं राम नाम के जयकारे साथ खत्म करता हूँ। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जय हिंदी जय हिंदू जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। अर्पण शर्मा क्लास
second position. Yeah.
Harshit Verma, class 2nd D, first position. Parth Gupta, class 2nd D, second position. Pushkar Jha, class 2nd D, second position. Position. Agni Sharma, fifth position.
winners of forthcoming competition are going to receive their awards. That's why we are asking Chief Minister for reason. Tanuja Dwivedi, Class 12A, second position. Agrim, Class 10B, second position. Kirti Gupta, Class 10A, third position. Oh,
दस दस को वेद ने मारा
बधाई
और साधुवाद के कारण उन्होंने यहाँ पर कृपा पूर्वक पधार कर हमारे इस सभागार की नहीं विद्यालय की नहीं इस समारोह की और हम सब की गरिमा को बढ़ाया वो सब विशेष बधाई के पात्र हैं। बच्चों की छात्रों एवं छात्राओं आप लोगों द्वारा जो आज इस अवसर पर प्रस्तुति की गई है ये आप सभी जानते हैं आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम आपको यहाँ पर उपस्थित विद्यालय के शिक्षकों शिक्षिकाओं एवं छात्र एवं छात्राओं तथा उनके सम्मानित अभिभावकजनों को भी अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये बहुत विशेष अवसर है जिस अवसर के पर हम ये लोग समारोह मना रहे हैं। हमारे इन छात्रों ने या छात्राओं ने जो आज इस समारोह में अपने कला का अपने ज्ञान का अपनी कुशलता का परिचय दिया वो अद्वितीय था। मुझे याद है मैं यहाँ पर कई पिछले 9 वर्ष से प्रबंधक के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ लेकिन आज का कार्यक्रम मुझे आज विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है और इसके लिए हमारे प्रधानाचार्य जी एवं उनके साथ लगे समस्त शिक्षक और शिक्षिका बहने जिन्होंने आप लोगों को तैयार किया आपका कुशल निर्देशन दिया वे सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों के मंचन को देखकर मैं एक एक का नाम स्पष्ट रूप से थोड़ा सा लेना चाहता हूँ थोड़ा समय लगेगा। हर्षराज द्विवेदी ने एकल गीत प्रस्तुत किया अविस्मरणीय उनकी प्रस्तुति थी। किरण अग्रज शुक्ला ने मातृभाषा में अत्यंत उत्कृष्ट प्रेरणादायक देशभक्त से ओतप्रोत भाषण दिया बधाई के विशेष पात्र। नृत्य में कक्षा तृतीय से दस्त की छात्राओं ने भारत माता की प्रशस्ति में जो गीत प्रस्तुत किया वो भी वंदनीय है अत्यंत प्रशंसनीय है। कनिष्क सिंह इनके स्थान पर शायद ये कक्षा आया था यश दीक्षित कक्षा 5 का छात्र है इसने आंग्ल भाषा में भाषण देकर जो सराहनीय कदम उठाया है या प्रयास किया है मैं उसको विशेष आशीर्वाद देता हूँ कि वो भविष्य में भी इसी प्रकार विद्यालय का गौरव बढ़ाता रहे और इसी प्रकार अपने संभाषण की योग्यता को प्रदर्शित करता रहे। बुंदेलखंडी लोकगीत जिसके संचालन और नेतृत्व मुख्य गायक किरणजीव प्रिंस दीक्षित थे उनकी प्रस्तुति अत्यंत आकर्षण मंत्रमुग्ध कर देने वाली और मैं समझता हूँ हमारे विद्यालय में ये पहली बार इस प्रकार का लोकगीत प्रस्तुत किया गया बहुत ही बढ़िया बहुत सुंदर। शताब्दी दीक्षित ने संस्कृत की वाणी में संस्कृत देववाणी में अपना भाषण प्रस्तुत किया। मैं प्रधानाचार्य जी से कह रहा था कि ये छात्रा इसका उच्चारण बहुत अच्छा है और इसने केवल कक्षा 9 तक पढ़ा 8 तक कक्षा 8 तक ही संस्कृत पढ़ी है। अब देववाणी को पढ़ाने के लिए हमारी सरकार की ओर से भी प्रयास कर रहा है इसे आवश्यक बनाया जाए अभी ऐच्छिक विषय के रूप में था तो ये छात्रा अगर आगे संस्कृत विषय को चुन करके पढ़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आलेख भट्ट जी ने अत्यंत बोधपूर्ण एवं देशभक्त से युक्त कर्तव्य
कविता पाठ का मंडन किया, पाठ का आलोचना किया। सिद्धार्थ उपाध्याय का भाषण एवं काव्य पाठ तो अद्वितीय था। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि स्कूल में जो बच्चा इतना ओतपूर्ण भाषण और बीच में ओतपूर्ण कविता का पाठ कर सकता है, तो विशेष बधाई का पात्र है। और सबसे ज्यादा प्रशंसनीय कार्य तो हमारे प्रिंस दीक्षित जी का रहा। प्रिंस दीक्षित जी हमारे विद्यालय के प्रिंस। एक दिन वो आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है ये छात्र हमारे प्रांत में ही नहीं देश में अपनी कविता पाठ के द्वारा, अपने गुरुदेशी भाषण द्वारा, अपने प्रस्तुतिकरण के द्वारा, चाहे वो बुंदेलखंडी गीत हो या अन्य कोई गीत हो, उनमें नाम कमाएगा, नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत जिनका नाम मैंने लाख आसिफ मिर्जा प्रिंस जी, उनके अतिरिक्त भी जिन प्रतिभागियों ने आज पुरस्कार प्राप्त किया है, उनके अभिभावक जन, उनके माता और पिता भी हमारे लिए अत्यंत वंदनीय है। पुरस्कार बच्चे ऐसे नहीं जीतते। मैंने भी अध्ययन किया है, लेकिन इस प्रकार से मैं आपके समक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूँ, कभी पुरस्कार नहीं जीता। पढ़ाई में तो ठीक था, लेकिन मेरे ख्याल में उस समय इस प्रकार का पुरस्कार देने की परंपरा भी नहीं थी। शायद मुझे मिल जाता, लेकिन मुझे नहीं मिला, आप लोगों को मिला। आप विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। इस प्रस्तावना को खत्म करने के बाद मैं अपने जो हमें आदेश दिया गया कि आप छात्राओं का, छात्रों का और यहाँ पर उपस्थित उपस्थित सम्मानित व्यक्तियों का मार्गदर्शन करें, ये मैं मार्गदर्शन करने में इतने भाषण सुनने के बाद अपने पक्ष में आता हूँ, लेकिन फिर भी औपचारिकता का पालन करना पड़ेगा। संक्षेप में ही स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक के आह्वान पर संपूर्ण देश में ये आवाज उठी थी कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे हम लेकर रहेंगे, हर कीमत पर लेकर रहेंगे, चाहे प्राणों की का बलिदान करना पड़े, तन मन धन सर्वस्व सावर करना पड़े। आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान से प्रेरित एवं इसी भावना से ओतप्रोत होकर के हमारे देश के तमाम नवयुवकों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, वो कूद पड़े, अपने तन मन धन सबको न्यौछावर किया और अपने प्राणों की भी आहुति दी। उनमें उनका नाम लेना, आप स्मरण करना, मैं अपना पुनीत कर्तव्य, मैं और आप सभी अपना पुनीत कर्तव्य समझते हैं। अमर शहीद सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजदेव, सुखदेव, शालिग्राम जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, अशफाकुल्ला खां साहब और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सर्वोपरि हमारी झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई उनमें प्रमुख थी। अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब हमें आज़ादी मिली। आज कहते हैं लेली हमें आज़ादी मिल गई, हमें आज़ादी बिना खट के बिना खाल, ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा मानना करें। यदि इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति मिली होती तो शायद उसके बाद में जो लोगों की श्रृंखला और महापुरुषों की श्रृंखला इस आज़ादी के लड़ाई में शामिल हुई वो शायद प्रेरित न होती। अंग्रेज शासन बिल्कुल निराश हो गया था कि इनके ही भारतीयों के वीर भारतीयों के सामने हम रुक नहीं सकते। साथ ही
उन महापुरुषों और राजनीतिज्ञों को भी श्रद्धांजलि देना, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना कर्तव्य है जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त हुए काफी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत के प्रथम राष्ट्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने सरल और कितने सच्चे व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पर मंच पर तमाम लोगों के, तमाम क्रांतिवीरों के और महापुरुषों के लगे हैं, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इन लोगों, इन सभी महापुरुषों को, राजनीतिज्ञों को, अमर शहीदों को मैं अपनी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि इनको श्रद्धांजलि न देना बहुत बड़ा पाप होगा। इन्हीं के कारण, इन्हीं कुछ महापुरुषों, अमर शहीदों और क्रांतिवीरों के कारण आज हम यहाँ पर स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक अपने को कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन में जब गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य क्रांतिवीरों और शहीदों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, तन मन धन सब निछावर कर दिया, उसके पूर्व या उसके लिए तैयार हुए और उसके पूर्व उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी, ऐसे स्वतंत्र भारत देश की कल्पना की थी, जिसमें प्रत्येक नागरिक भारत का ये महसूस कर सके कि वास्तव में वो एक स्वतंत्र देश का नागरिक, ये एहसास होना चाहिए। इस कल्पना के साथ उन्होंने किया था। गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित सभी धर्म और समुदाय के लोग, सभी वर्ग के लोग ये महसूस कर सके उस स्वतंत्र भारत में कि वे अभावग्रस्त नहीं है, उनके उनको किसी चीज की कमी नहीं है, वे वास्तव में स्वतंत्र है। और इसी विचारधारा, इसी भावना से ओत प्रोत होकर के और प्रेरणा लेकर के स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनकी भी यही सोच थी कि स्वतंत्र भारत में एक व्यक्ति जो स्वतंत्र भारत में अंतिम पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है वो ये महसूस करे कि वो अभावग्रस्त नहीं है, गरीबी और शोषण से मुक्त हो चुका है, उसका भी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा अधिकार है, बराबर का अधिकार है, उसे उन सबका लाभ मिलना चाहिए। ये हमारे पूर्व राजनीतिज्ञों, पूर्व अमर शहीदों और क्रांतिवीरों के भारत सपनों का भारत था। आज का 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 76वीं वर्ष का हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव का उत्सव मना रहे हैं। आज की तिथि पे हमें ये सोचना होगा कि हमारा भारत जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस भारत में क्या इन अमर शहीदों, क्रांतिवीरों एवं महापुरुषों और राजनीतिज्ञों के सपनों का भारत बना है, हमें सोचना है। अगर विशेष रूप से, बृहत रूप से प्रश्न पूछा जाए तो शायद उत्तर मिलेगा कि नहीं। हम उसका, जिसका भारत की कल्पना करते थे, उसका सपना तो हम साकार नहीं कर सकते। ये सत्य है कि हमारे देश ने इस कालखंड में बहुत प्रगति की है, हर क्षेत्र में प्रगति की है। हम विकासशील देशों
इस पंक्ति में आगे खड़े हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, सब तरफ हमने अतुलनीय प्रगति की है। अपनी अपने देश की सुरक्षा के लिए हमने नाना प्रकार के हवाई जहाज विकसित किए हैं, मिसाइल्स विकसित किए हैं, सबमरीन्स विकसित किए हैं आदि आदि, और हम ऐसा समझते हैं कि इन सब कार्यों से जो सेना का सेना में किए गए हैं, इनसे हमारे देश की सुरक्षा बढ़ी है। आज हमारे देश से दूसरे देश की अपेक्षा करते हैं कि भारतवर्ष हमें अपने ये उत्कृष्टतम हथियार दे, ऐसी अपेक्षा हो। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी नहीं पाया, हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन खोया है, कुछ खोया भी है। प्यारे बच्चों, हमने क्या खोया है इस पर आप चिंतन करें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारे अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण नहीं हुआ। जो अपेक्षा की जाती है देशभक्त और राष्ट्रभक्त की भावना हमारे देश में विकसित हो, वो नहीं विकसित हुई है। इसके लिए हम क्या हमारे यहाँ के कुछ राजनीतिक दल भी इतने ही भागीदार हैं। हम स्वतंत्रता के सही अर्थ को नहीं समझ सकते। स्वतंत्रता को हम स्वच्छंदता के रूप में लेने लगे। हम अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत सजग रहे, मेरे मुझे तो ये मिलना चाहिए, मुझे सरकार से ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, लेकिन अपने दायित्वों के प्रति सजग नहीं, उदासीन है। तो संकल्पना की पराकाष्ठा हो गई है, अनुशासनहीनता की स्तर तक वहां पर हम स्वतंत्रता की परिकल्पना करने लगे हैं। अनुशासनहीनता के कारण हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो देश विरोधी है, संपत्ति यानी आंदोलनों में रत होकर के अब देश की संपत्ति का और अपनी संपत्ति का नुकसान करते हैं। ये अच्छे कार्य नहीं है, ये निंदनीय कार्य है, इनका इनको हतोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ राजनीतिक दल सत्ता में बने रहने की दीक्षा से, शुद्ध मानसिकता से ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो घोर निंदनीय है और राष्ट्र विरोधी है। अभी आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि हमारे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, उस समय हमारा विपक्ष, पूरा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर सबसे पहले बहस होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। बहस प्रारंभ हुई लेकिन विपक्ष ने बहिष्कार किया, और बहिष्कार ऐसा ही नहीं, काले कपड़े पहन करके बहिष्कार किया। हमारी मातृभूमि का अपमान किया, हमारे धर्म का अपमान किया, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान किया। ये कितना घोर निंदनीय कार्य है, ऐसा नहीं कर रहे। इन विपक्ष के इस प्रकार के कार्यों से हमारे देश के अंतर्गत, हमारे देश के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद पनप रहा है। उनके कर्तव्यों से, उनके वक्तव्यों से विदेश में भी आतंकवाद यहाँ पर प्रायोजित होता है। इसके दुष्परिणाम क्या है कि हमारी स्वतंत्रता को ही ऐसा लगता है कि खतरा हो गया। मैं संदर्भ देना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेरल्ड अखबार की स्थापना की थी,
और उस नेशनल हेरल्ड को जब टेन में पढ़ता था तो पढ़ने को नहीं मिलता, लिखा रहता था फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विद ऑल माइट, अर्थात हमारे देश की स्वतंत्रता खतरे में है, हमें अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो दुर्भाग्य का विषय है कि आज उसी आवाहन का, उसी परिवार के सदस्यों का, वंशजों का एक तत्व ऐसे हैं कि हमारी स्वतंत्रता को खतरा होगा। डिफेंड करने की बात तो दूर रही, उसके प्रति यानी हमारा स्वतंत्रता को खतरा हो गया है। ऐसे ऐसे विपक्षी दलों के कार्य हमारे देश को कभी आगे नहीं ले जा सकते। आज भ्रष्टाचार हमारे यहाँ पर चरम पर है, हर वो भ्रष्टाचार फैला है। आप लोगों ने टीवी में प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना होगा, उन्होंने वो भी बातों का उल्लेख किया कि हमें भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना है। कहते होंगे आप, न्यूज सुनते होंगे, इतना लोगों के पास पैसा है कि पैसों का अंबार लगा है, इतनी विषमता उस कारण है हमारे देश के अंदर, जो गरीब है चरित्र का देशभक्ति की भावना के अवमूल्यन के कारण ही हुआ। इसको समाप्त करना युवा शक्ति का कर्तव्य है। हम सब, हमारा भारत वर्ष है, हमारा भारत वर्ष एक बहुत बड़ी युवा शक्ति है। युवा शक्ति का विशेषकर छात्रों और छात्राओं का, और देखने को मिला है ये उसी रहे, उनका ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, और हम ऐसा कोई कार्य न करें जो अनुशासन हिंसा के अंतर्गत आता हो, और हम ऐसा कार्य न करें जो आंदोलन इस श्रेणी तक ले जाए। आंदोलन करना आपका आपका अधिकार है, संविधान के अंतर्गत अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, आंदोलन से देश की संपत्ति को क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए, और युद्ध संगत आंदोलन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बात में आंदोलन, क्योंकि सरकार ने कहा है लिहाजा हमें विपक्ष में आने के लिए आंदोलन करना है, लिहाजा आंदोलन को तय किया, और आह्वान किया पूरी जनता का, जनता जानती है ये क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जनता सजग है, इसीलिए उस सजगता के कारण ही आप देखते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार, सशक्त सरकार अभी भी सक्षमता पूर्वक और सफलता पूर्वक कार्य कर रही है, और ऐसी आशा है कि भविष्य में भी कार्य करती रहेगी। राष्ट्र भावना और राष्ट्र प्रेम जागृत करना आप युवाओं के हाथ में है, और यहाँ पर जो नेता यहाँ पर बैठी है, युवा शक्ति बैठी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे विद्यालय के यही छात्रों, इन्हीं छात्रों में से कोई छात्र निकलेगा, और हम गर्व से कह सकेंगे ये छात्र हमारे विद्यालय का छात्र है जिसने ऐसा प्रयास करके ये सफलता ली। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ज्यादा सम्मेलन करके समय काफी हो गया है, मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ, छात्रों से और छात्राओं से विशेष करके, कि आप संकल्प लें कि हमें अपने देश को अभाव मुक्त, गरीबी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अलगाववाद, क्षेत्रीयता एवं धार्मिक उन्माद से मुक्त, और आत्मनिर्भर हर हाल में अपने कार्यों से करना है। ये आपको आज संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि यही एक दिवस है जिस दिन आप ये संकल्प ले सकते हैं। अंत में मैं अपने देश के शीर्षस्थ चिंतक और दार्शनिक
तथा पूर्व राष्ट्रपति सर्वपति स्वर्गीय राधा कृष्ण जी के वाक्य का कथन आपको उद्धृत करना चाह रहा हूँ और उसके बाद मैं अपनी वाणी को यहाँ दूंगा। राधा कृष्ण जी ने कहा था स्वतंत्रता बहुत संक्षेप में केवल दो सेंटेंस है स्वतंत्रता के बारे में, स्वयं से मानवता का भाव, स्वयं में मानवता का भाव विकसित करें। मानवता बहुत बड़ा शब्द है, मानवता का भाव विकसित करने तथा अनुशासन को जीवन में शामिल करने से के बाद ही हम आजादी के सही अर्थ को समझ सकते हैं। मानवता के गुण हमारे अंदर होने चाहिए, तमाम गुण आते हैं, विनयशीलता है, सत्य है, ईमानदारी है, इत्यादि क्या देशभक्ति है, तो मानवता के सद्गुण अपने अंदर लाइए आप, उनको विकसित कीजिए, उनको जीवन का अपने अंग बनाइए और साथ ही साथ अनुशासन के अंतर्गत खड़े करके स्वतंत्रता को उल्लासपूर्वक बनाइए और ये प्रण करें कि हमारी स्वतंत्रता अक्षुण बनी रहे। हमारे संविधान के अंतर्गत ये दायित्व है कि हम अपने राष्ट्रगत का और राष्ट्रगान का सदैव सर्वप्रथम सम्मान करें, ये प्रथम दायित्व है। और ये भी दायित्व है कि हमें अपने संविधान की, अपने देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की, अपने प्राणों की बलिदान को बलिदान देकर भी उसकी रक्षा करना, ये हमारे परम कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ आप लोग तीन बार बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव शुक्ला से निवेदन है कि माननीय प्रबंधक महोदय जी विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे। अति सम्मानित अभिभावक मंचा सिंह महानुभाव, सम्मानित छायाकारों और प्रेस रिपोर्टर्स के प्रति आभार ज्ञापन करने की कृपा करें। राष्ट्र के प्रति हो समर्पित संकल्प हो कर्तव्य हमारा, त्याग बलिदानों से बनाए देश सुंदर सुदृढ़ प्यारा, देश सुंदर सुदृढ़ प्यारा। आजादी के अमृत महोत्सव के गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी इस कार्यक्रम में पधारे हम सभी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शक सम्मानित प्रबंधक महोदय जी को आप आज हम अपने मध्य पाकर अब हम सभी अत्यंत हर्षित एवं गौरवान्वित, जिनके विशिष्ट आतिथ्य में कार्यक्रम की भव्यता द्विगुणित हो गई है। कक्षा दशम एवं द्वादश की बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मानित अभिभावकगण, आप सभी की उपस्थिति हम सभी में अनूठे उत्साह एवं ऊर्जा का संचार कर रही है। आज माननीय प्रबंधक महोदय जी ने अपने अमृत तुल्य मार्गदर्शन में हम सभी को स्वतंत्रता की इस अमूल्य निधि का संरक्षण करने की प्रेरणा दी। आपने हम सभी छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की प्रशंसा करके हम सभी भैया बहनों को अत्यंत कृतार्थ किया है तथा हम भैया बहनों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। आपने स्वाधीनता की इस यात्रा को अपने अविस्मरणीय योगदान से सफल बनाने वाले अमर क्रांतिकारियों के महत्व को हमें परिचित कराया। आपने एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की कल्पना को साकार करने की हम सभी को प्रेरणा दी। हमें चिंतन करने की ओर प्रवृत्त किया कि स्वाधीनता के स्वप्न को यथार्थ में हम किस तरह बदल सकते हैं। राजनीतिक दलों की स्वार्थ लिप्सा के कारण आने वाले संकटों से हमें परिचित कराया और ऐसे लोगों से सतर्क रहने और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने की शिक्षा हमें प्रदान की।
छात्र सांसद के उप प्रधानमंत्री के रूप में मैं अविरल शुक्ल आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम सभी भैया बहन आपके द्वारा दिखलाए गए पद को पद का अनुगमन करते हुए विद्यालय के को उत्तरोत्तर प्रगति के पद पर ले जाने का कार्य करते हुए राष्ट्र के उपयोगी अंग के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। अंत में मैं पुनः एक बार माननीय प्रबंधक महोदय जी, सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अभिभावक, उपस्थित गणमान्य सुधीजन एवं सम्मानित प्रेस रिपोर्टर्स एवं छायाकारों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि राणा जीवा शिवाजी के खोले तेज लहू का तूफान राणा जीवा शिवाजी के खोले तेज लहू का तूफान भारत धरा पर कभी झुकने न पाएगा पन्ना धाये पर लिखानी झांसी रानी कुर्बानी वाला देश फिर कहानी दोहराएगा 140 करोड़ दिलों में लहराता हुआ 140 करोड़ दिलों में लहराता हुआ लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में होगा वंदे मातरम उत्कृष्ट वंदे मातरम स्तुति वंदे मातरम वंदे आगे निर्देश मिलने पर फिर आपको यहाँ से जाना है।